स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जब उनको निर्वाणा प्राप्त होता है, एक लेडी उनके पास में एक राइस का बॉल लेकर आती है। करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते तिल पर परत निशान। अगर आपने भी ये श्लोक पहले सुना है, कभी रट्टा लगाया है, तो इसका मतलब पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं कि मैं आज इस श्लोक को क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है, स्कूल टाइम पे ना संस्कृत का जो सब्जेक्ट था हमारा, उसके अंदर इस श्लोक को आना था पेपर में। ये श्लोक आना था, मतलब कोई भी श्लोक आना था, लेकिन मुझे ये श्लोक पसंद आया, रट गया था ना मुंह पे। करत करत अभ्यास के जलमति होती सुजान, रसरी आवत जावत तितिल पर परत निशान। तो रट्टा लगा लिया था, मतलब समझ लिया था, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ पता नहीं था उसको अप्लाई क्या करना है, अरे क्या क्या रस्सी और क्या ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी पता है इसका मतलब कितना सही है यार, मतलब मेरे तो लाइफ में बहुत काम आता है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों के बिना काम आएगा, कि किसी भी काम को आप अगर करते हो, अगर आप उसमें अनाड़ी भी हो, अनाड़ी मतलब कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर मैं इसको पेंटिंग से रिलेट करूं अपनी, तो पेंटिंग अंदर जो छोटे छोटे स्टेप है वो होता है स्केचिंग, ठीक है। स्केच को इतनी बार करो, इतने ज्यादा टाइम पे करो, इतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करो कि सब कुछ कमाल हो जाता है, ठीक है, वो हो जाओगे ऑटोमेटिकली। जितनी भी स्किल वाली चीजें ना, ऑपरेशन करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, एक्टिंग करना, क्रिकेट खेलना, किसी भी क्रिएटिव स्किल वाले जो काम है जितने भी, ठीक है, ये सारे के सारे सिर्फ एक ही इसका वो है सोल्यूशन, जो रामबाण इलाज है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से एक चीज और इंप्रूव होती है, वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आएगी सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से, प्रैक्टिस को बार 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 लगातार करने से, ठीक है। जैसे ये मेरे को मेरी स्टूडेंट है, उसने मेरे को गिफ्ट करी है, गिफ्ट करी है मतलब कह रही थी पढ़ने के बाद वापस कर देना सर तो मैं इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ो एक बार, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। आप इसको दोबारा पढ़ोगे, आपको कुछ और चीजें समझ में आएंगी। आप इसको 10 बार पढ़ के देखो, आपको इसकी ऐसी डिटेल समझ में आएगी ना इस बुक की, कि आप कहोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था इस बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे काम के साथ में है, जब हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, यार आप सोचते हो कितना क्रिएटिव कर दिया यार, मेरे से तो होएगा ही नहीं, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी, ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस, सही तरीके की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस से आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी तो आपका क्रिएटिव स्किल भी डेवलप हो जाएगा। तो कुछ दिनों से मैं ना एक पेंटिंग बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जब उनको निर्वाणा प्राप्त होता है, एक लेडी उनके पास में एक राइस का बॉल लेकर आती है, चावल खिलाने के लिए बेसिकली, ठीक है। वो सीन, वो एक भाव, उसको दिखाने के लिए मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा था, कोई एंगल नहीं पता लग रहा था, मैं किस एंगल से बनाऊं, लेडी को आगे रखूं, पीछे रखूं, गौतम बुद्ध को साइड में रखूं, कैसे रखूं, नहीं समझ आ रहा था। आज मैं अपना मूवी देख रहा था, और ना दो मेरे को फिगर दिखे जो एक दूसरे का हाथ, दोनों ने ऐसे करके एक दूसरे का हाथ ऐसे करके पकड़ रखा है, पकड़ रखा मतलब ऐसे नीचे कुछ ऐसे लग रहा है दे रहे हैं। मेरे माइंड में ना वो स्टोरी एकदम से क्लिक कर गई, मैं कहा यार इस स्टोरी को ना मैं बुद्ध वाली इसमें बनाता हूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको मैंने स्केच किया है, अभी आप लोगों के साथ में बैठ के मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये है वो स्केच, यार ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा इसको, मेरे को लगता है लाइट को बंद करना पड़ेगा। लाइट को कर दिया बंद, और मेरा स्केच देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। काम करता हूँ इसमें, कुछ काम करता हूँ, और आप लोग भी बैठ के देखो थोड़ा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस इसके जो बाल हैं मैं उसके अंदर शेडिंग कर दूंगा, एंड जो फ्लो है बालों का उसको मैं एक बार जज कर लूंगा कि बाल किस तरीके से बनेंगे, ना आंख में किस तरीके की डिटेल आएगी, कितना शेडिंग होगा, नोज कैसी रहेगी, आईब्रो कैसी रहेगी, कहाँ पर डेप्थ लाइट आना है थोड़ा बहुत, तो खूबसूरती निकालना है, बालों की शेप को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के काम करना है। सबसे जरूरी चीज आती है कि हाथ में इनके क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हाथ में कटोरा होना चाहिए, तो बात आती है कि हाथ में कटोरा तो बनना है, लेकिन कटोरा कैसा बनना है। तो अभी क्या ना, हम अपने माइंड को लेकर जाएंगे उस दौर में जब भगवान बुद्ध हुए, ठीक है। उस टाइम तो कोई मिल्टन के कटोरे तो होंगे नहीं, ठीक है, कि भाई स्टील का है उसमें खूब ब्रांडिंग हो रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो वो पीतल का होगा या फिर सोने चांदी का होगा, और उसके अंदर की जो कारीगरी है वो कैसी दिखानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको उसको बहुत ज्यादा कढ़ाई मतलब बहुत जैसे डिजाइनदार बनाना है वो बनाओ, लेकिन मैं नहीं बनाने वाला, मैं बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ, लेकिन बनाऊंगा मैं पीतल का। अच्छा, ये ना लकड़ी का भी हो सकता है, जैसे लकड़ी से बिन के बनाते थे ना उस टाइम पर, तो ऐसे तो नहीं है कि कटोरा उनके हाथ के एकदम ऊपर आ जाएगा, हवा तो आएगा नहीं, नीचे झुका, तो कुछ ना लॉजिकली चलना पड़ता है कभी कभी।
पता है ये जो थिंकिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरी यार ये गिर गया यार, यहाँ रखा हुआ था एक्चुअली में, ये ना ये रखा रहता है। ओके तो मैं जो कुछ भी ये बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको ही अप्लाई करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी चाहे इतना सा लेकिन इम्प्रूव जरूर करो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हाँ ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ऐसा नहीं, रोज सीखो, थोड़ा सीखो लेकिन सही से सीखो, ये मेरा नारा है। ठीक है, थोड़ा सीखो लेकिन सही से सीखो। और हाँ एक ना एक मेरे दिल की एक बात है यार, उसको सुन लो, मुझे नहीं पता अभी तक आप लोग टिके हो इस वीडियो में या नहीं टिके हो, ये एक्सपीरियंस है, इसको सुन लेना और प्लीज कोई बुरा मत मानना, ऑफेंड मत करना और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना इस बात से। देखो उसी से सीखो जिसको वो काम आता हो। ठीक है, मतलब अगर आप मुझसे सीखोगे सर क्रिकेट के लिए कुछ टिप्स दे दो तो मैं कहूँगा भाई मुझे नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ज्ञानी पंडित बन जाते हैं, वो ज्ञान देने लग जाते हैं, जैसे आपके आस पड़ोसी, अरे कुछ नहीं रखा आर्ट फील्ड में, ये है वो है, हमारे लड़के ने किया था वो नहीं कर पाया, उनकी मत सुनो भाई, जिसने आर्ट फील्ड में है जो उससे ही सीखो। अच्छा इस चीज से रिलेटेड ना मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, मेरे को आज टॉपिक मिल गया कि मेरे को कल क्या बनाना है। ठीक है, तो कल इस पर बात करूंगा। क्या है ना, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि सपने जब तक जिंदा रहेंगे ना जब तक सब कुछ सही रहेगा। सपनों को ना मरने मत दो, काम को करो, दिल से करो, दिल लगा के करो, कोई सपोर्ट नहीं करता कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप तो अपने आप को सपोर्ट करो ना यार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल के साथ में जुड़े रहो, काम देखते रहो और मेरे को मेरी जर्नी में भी सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।